चंदन भैया कैंट में जो संभवतः अबडक्शन और रेप का मुकदमा है, इस मामले में राखी श्रीवास्तव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी और वो उनकी कुछ डिमांड्स संभवतः थी जो डॉक्टर डीपी सिंह पूरा करने को तैयार नहीं थे। राखी श्रीवास्तव जिस मकान में रहती थी वो डॉक्टर डीपी सिंह का ही था और संभवतः राखी श्रीवास्तव उस मकान को अपने नाम करवाना चाहती थी। सर कुछ गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, इसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। डॉक्टर डीपी सिंह और उनके 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? तीनों गिरफ्तारी गोरखपुर से ही हुई है और अग्रिम कार्रवाई गोरखपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? ये 3 व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, इन सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये डेड बॉडी जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर हिंदू कैलेंडर का डेट अंकित है और वो डेट 25/2/1975 यानी हिंदू कैलेंडर से 25/2/1975 की डेट इस पर अंकित 2075। 4 जुलाई को थाना शाहपुर में राखी श्रीवास्तव के लापता होने संबंधी एक FIR दर्ज हुई थी। इस संबंध में STF को जानकारी मिली कि सुश्री राखी श्रीवास्तव की लाश पोखरा नेपाल में मिली है और वहाँ उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था। इस जानकारी के बाद STF ने गहन छानबीन की तो ये पता चला कि सुश्री राखी श्रीवास्तव यहाँ डॉक्टर डीपी सिंह की काफ़ी करीबी थी और काफ़ी समय से उनके साथ रहती थी। डॉक्टर डीपी सिंह ने गोंडा में वर्ष 2011 में उनके साथ विवाह भी कर लिया था, इसके बावजूद कि डॉक्टर डीपी सिंह पूर्व से विवाहित थे। राखी श्रीवास्तव ने फरवरी 2018 में मनीष श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से भी विवाह किया। 4 जून को राखी श्रीवास्तव की लोकेशन नेपाल में थी और डॉक्टर साहब भी अपने 2 कर्मचारियों के साथ एक बोरो की हुई स्कॉर्पियो में नेपाल गए थे। इस जानकारी को डेवलप करते हुए ये पता चला कि डॉक्टर बीपी सिंह ने अपने इन 2 साथियों के साथ मिलकर राखी श्रीवास्तव को पहले कुछ नशीली दवाएं दी, शराब पिलाया, एल्प्रेक्स नाम की दवा से उनको बेहोश किया, तत्पश्चात उन्हें पोखरा के ऊपर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जो पोस्टमार्टम नेपाल में हुआ है उसमें सिर पर और पेट पर ब्लंट ऑब्जेक्ट्स की चोट होने के इंडिकेशंस हैं। पूछताछ में डॉक्टर डीपी सिंह के कर्मचारियों ने इस पूरी घटनाक्रम को कबूल किया है और भी एविडेंसेस मिले हैं और उसके अलावा SSP गोरखपुर के साथ वार्ता करके इनके साथ समन्वय बिठा करके हम लोग अन्य एविडेंसेस की भी तलाश कर रहे हैं और इस घटना का अनावरण STF द्वारा किया गया है। सर क्या कारण करने की वजह क्या थी? सर जो वजह पूछताछ से प्रकाश में आ रही है कि राखी श्रीवास्तव से विवाह डॉक्टर साहब ने कर लिया था और उसके बाद राखी श्रीवास्तव की कुछ डिमांड्स बढ़ती चली गई। राखी श्रीवास्तव ने एक मुकदमा भी डॉक्टर साहब के खिलाफ लिखा